10 समन, गिरफ्तारी और फिर जेल बेल। केजरीवाल के साथ क्या क्या हुआ, दिल्ली सीएम की पूरी कहानी। दिल्ली कथित शराब घोटाले में बीते दिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति और इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले के आरोप में 1,00,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी। लेकिन मामले में ताजा जानकारी है हाई कोर्ट को लेकर। हाई कोर्ट ने ईडी की याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी और केजरीवाल की रिहाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई। दरअसल ये मामला शुरू होता है साल 2021 से। दिल्ली सरकार ने नवंबर 2021 में नई शराब नीति लागू की थी। ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा है। इस मामले में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह समेत कई बड़े नेताओं को जेल में डाला जा चुका है। सीएम अरविंद केजरीवाल को भी ईडी ने कई बार समन भेजा, लेकिन उन्होंने उसे नजरअंदाज किया, जिसके बाद उन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया। नवंबर 2021 में दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को लागू किया। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव ने नई शराब नीति में उल्लंघन की शिकायत एलजी से की। 22 जुलाई 2022 को दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की। 19 अगस्त 2022 को दिल्ली के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की। 22 अगस्त 2022 को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। मार्च 2023 में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। अक्टूबर 2023 में आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता संजय सिंह को भी ईडी ने अरेस्ट कर लिया। 2 नवंबर 2023 को ईडी ने केजरीवाल को पहला समन भेजा। 21 नवंबर 2023 को ईडी ने केजरीवाल को दूसरा समन भेजा। इसके बाद 3 जनवरी को तीसरा समन, 18 जनवरी को चौथा, 2 फरवरी को केजरीवाल को पांचवा समन ईडी द्वारा भेजा गया। 19 फरवरी को छठा समन भेजा गया। 26 फरवरी को सातवां समन। 4 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को आठवां समन भेजा। 16 मार्च 2024 को प्रवर्तन निदेशालय ने बीआरएस नेता के कविता को अरेस्ट कर लिया। 21 मार्च 2024 को ईडी ने दिल्ली सीएम को नौवां और आखिरी समन भेजा। 21 मार्च 2024 को ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया। 10 मई 2024 को सीएम केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के लिए अंतरिम जमानत मिली। 2 जून 2024 को अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में सरेंडर किया और फिर से जेल चले गए। 20 जून 2024 को सीएम केजरीवाल को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने 1,00,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। 21 जून 2024 को हाई कोर्ट ने ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी। तो ये थी केजरीवाल की जेल बेल यात्रा की पूरी टाइमलाइन।